सरकार तक, गवर्नर इंतजामिया तक, प्रधानमंत्री तक, दिल्ली सरकार तक आपने ये हमारी जो है मुश्किलें पहुंचानी है। जब तक इलेक्शन होते हैं तब तक जो है छोटा मोटा जो काम हमारा हो जाए, और जब इलेक्शन होंगे तो सरकार हमारी होगी, तब तो ये सारा कुछ आपके हाथ होगा। और आज आप त्रियाड को देखे जा रहे हैं, मुझे विश्वास है कि जब हमारी सरकार बनेगी, आप चीफ मिनिस्टर होंगे, तो त्रियाड की जो दशा है वो सुधरेगी और कालाकोट की दशा जो है उसमें सुधार आएगा। चाहे वो सुंदरबनी का दूर दराज इलाका हो, चाहे कालाकोट का दूर दराज इलाका हो, चाहे तहसील त्रियाड का इलाका हो, तो ये सारे इलाका जो बात कर रहा हूं। जहां तक मैं अपनी बात कहूं तो मैं जीता सभी लोग बुलाए और हमने सलाह मशवरा किया, और सलाह मशवरा करने के बाद डायरेक्शन मिली, उसके मुताबिक मैंने चौधरी जुल्फकार साहब की सर कि हमारे लोगों की तरक्की हो, हमारे लोगों के अच्छे दिन आए, हमारे लोगों की खुशहाली हो, मेरा और कोई मकसद नहीं है। मैं बुखारी साहब एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं, मैं पॉलिटिक्स में जरूर हूं लेकिन मैंने कमाया कुछ नहीं पार्टी से। लोग कहते हैं कि लोग मैं मुबारकबादी देना चाहता हूं यहां के लोगों को जो यहाँ इतने दूर दूर इलाकों से आए हमारी इस जनसभा में शामिल होने के लिए। लोगों की तरफ से एक क्लियर कट मैसेज है कि वो बदलाव चाहते हैं, और मैं लोगों को वादा करता हूँ कि एक बदलाव वाली सरकार उनके सामने आएगी। अपनी पार्टी की जो सरकार होगी वो बदलाव वाली सरकार होगी और उनके लिए वो सब चीज़ें करेगी जिनका हम आज वादा करते हैं। आपने सुना होगा हमारी तकरीरों में ये सब चीज़ें जो हम कहते हैं, हम वादा बंद है पूरा। आज के समय में बेरोजगारी जो है चरम सीमा पर है, महंगाई की बात करें तो आम आदमी उसके नीचे दब चुका है, क्या कहेंगे आने वाले समय में किस तरह इसका ऊपर ये थोड़े कर देखिए। मैं बताऊंगा, जहां तक अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल है, हम बार बार यही कहते हैं कि जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं ये एक सिस्टम से इनको चाहिए कि इंसान का टक्कर है, और इन बच्चों में बॉर्डर बटालियन से या आपके दूसरे जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें बच्चों को नौकरियां देनी चाहिए। उसके बाद हमें ये भी देखना है कि हम कुछ ऐसे स्कीम्स लाएं जिनसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोग हासिल कर सकें, क्योंकि सबको सरकारी नौकरियाँ ही अर्न हो सकती है। और जहाँ तक महंगाई का सवाल है, देखिए मैं बताऊँगा, यहाँ शायद दिलजी साहब तक ये बात पहुँची नहीं है, क्यों उनको ये पता नहीं है कि यहाँ जो राशन उन्होंने बंद कराया वो कोई सब्सिडाइज राशन नहीं था, वो लैंडेड कॉस्ट पे दिया जा रहा था, लेकिन इन विचारों को ऊपर तक पहुंचा के मिलता था, सरकार की सहूलियत इतनी ही होती थी। पता नहीं उनको किसने कहा, उन्होंने बंद कर दिया। उनको चाहिए लोगों के लिए ये चीज़ें मुहैया फिर करें, लैंडेड कॉस्ट कोई सब्सिडी ना दे दूँ, ठीक है जी, हमें पता है उनके पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन लैंडेड कॉस्ट पर जो पहले भी दे रहे थे आप भी दे दें। इसी तरह अगर कॉपरेटिव मूवमेंट पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त स्ट्रेंथन की जा रही है, रोज हम गृह मंत्री को सुनते हैं क्योंकि वो कॉपरेटिव के मिनिस्टर भी है कि हम तेल चीनी बाकी चीज़ें कॉपरेटिव से दे देंगे, यहाँ भी दे दें ताकि लोगों को थोड़ा सा तो सस्ता ये चीज़ें। बिजली के बिल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इतने प्रोजेक्ट होने के बावजूद भी इस जनता को महंगी बिजली? भी बाहर प्रोजेक्ट बनाने वाले भी बाहर के, लेने वाले भी बाहर के, तभी तो हम कहते हैं अपनी पार्टी को वोट दो, 500 यूनिट तो फ्री मिलेगा। तो आने वाले समय में अगर आपकी सरकार बनती है तो जनता का जो जमीनों के हकूक हैं उनको मालकाना हक देने का आप वादा कर रहे हैं? हक भी हम तो सरकार में ही नहीं आके, हम तो आज भी कहते हैं जहां पे भी लोगों के साथ जमीनों को लेकर कोई सख्ती की जा रही है, खासकर गरीबों के साथ, वो हमारे पार्टी के किसी भी इकाई से राबता करें और हम देखेंगे कि कहीं पे भी इस बुलडोजर बाबा को चलने नहीं देंगे। एलजी इंतजामिया था या क्या?